1970 में KFC ने जब जापान में अपनी ब्रांचेस ओपन की तो उनको कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। KFC के जापानीज मैनेजर को एक आइडिया आया और वो क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉस बनके पार्टी में चले गए, जिससे वो पार्टी के सभी बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर बैठे। तो उन्होंने सबको ये बताया कि KFC अमेरिका की ट्रेडिशनल क्रिसमस डिनर है, क्योंकि जापानीज हमेशा से अमेरिकन से बहुत इम्प्रेस रहे। इसी वजह से उन्होंने KFC को अपनी जिद बनाकर खाना स्टार्ट कर दिया। कई लोग को तो मालूम भी नहीं था कि अमेरिका में क्रिसमस वाले दिन चिकन नहीं बल्कि टर्की खाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने KFC का खाना एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। ये आइडिया इतना हिट हुआ कि जापान में KFC के बगैर अब क्रिसमस ही नहीं होती। लोगों को क्रिसमस से 2 महीने पहले से ही KFC की एडवांस बुकिंग करवानी